नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कटहल की बेहद स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि आप स्नैक्स और लंच दोनों में सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो एक बार तो ट्राई करना तो बनता है, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे फीडबैक में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कटहल लिया है। आप भी कटहल से ही इस रेसिपी को बनाइएगा, कटहरी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो इन कटहल को हमने अच्छे से छील कर कट कर लिया है, और अब हम इनको धुल कर साफ़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये प्रेशर कुकर लिया है, और इसमें मैं इन कटहल को डाल दूँगी, और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इन सबको इसमें डालकर ढक्कन लगाकर हम 2 सीटी आने तक इनको पका लेंगे। 2 सीटी आने के बाद हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, और अब ये कुकर ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनको खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये इतने सॉफ्ट हैं, हमें इतना ही सॉफ्ट इनको पकाना है। अब मैं इन कटहल को इस छन्नी में डाल दूँगी, जिससे कि इन कटहल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इन्हें हम एक साइड में रख देंगे, जिससे कि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर ये 2 प्याज लिया है, और ये अदरक हैं। इन प्याज को मैंने रफली चॉप किया हुआ है। इन दोनों को मैं ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ये मिक्सिंग बोल लिया है, और इसमें मैं ये बेसन ले रही हूँ, ये सूजी, और अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर ले रही हूँ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इन सबको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जो प्याज अदरक का पेस्ट तैयार किया था उसे इसमें डाल दूँगी, और इन्हें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार करूँगी। यहाँ पर आप बहुत पतला मत पीजिएगा, बिल्कुल गाढ़ा ही हमको इनको रखना है। ये देखिए, ये अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हमें इतना ही थिक इनको चाहिए। तो अब मैं इनको ढककर एक साइड में रख दूँगी, जिससे कि हमारे सूजी जो हैं इसमें अच्छे से खिल जाए। मैंने यहाँ पर जो कटहल को बॉईल करके रखा था ये ठंडे हो गए हैं, तो अब हम हाथों से दबाकर इनमें जो एक्सेस पानी है उनको हम निकाल लेंगे। अब हम बेसन को देख लेते हैं। यहाँ पर सूजी बेसन में अच्छे से खिल गई है, तो अब हमने जो कटहल को तैयार किया था उन कटहल को हम इस बेसन में डाल देंगे, और इनको हम बेसन में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब मैं इसमें जो कटहल को बेसन के साथ कोट की थी एक एक करके इनको पकौड़ियों की तरह डालकर हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये अब सुनहरे हो गए हैं, तो अब हम इनको इन तेल से बाहर कर लेंगे, और बाकी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब जितनी पकौड़ियाँ मुझे स्नैक्स में सर्व करनी है उनके ऊपर मैं यहाँ पर ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसी के साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये लाल मिर्च पाउडर और नमक, इन सबको मैं इनके ऊपर डालकर फिर ऐसे टॉस करके इनको हम मिक्स कर लेंगे। स्नैक्स के लिए शाही टुकड़े यहाँ पर अब तैयार हो चुके हैं। इनको आप धनिया की चटनी के साथ और संग में चाय भी सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे, उसके लिए मैंने वापस उसी पैन को गर्म कर लिया है, और इसमें मैं 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ, ये 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। इन जीरा को हम इसमें अच्छे से चटकने देंगे। अब मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ ये प्याज है जिसको कि हम इसमें डाल देंगे, और इनको हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं इस प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इनको भी मैं इसमें डालकर अच्छे से भून लूँगी। अब अच्छे से भून गए हैं, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैं भुना जीरा पाउडर ले रही हूँ।
इन सबको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर ये एक टमाटर ले रही हूँ जिसको कि हमने कट कर लिया है, इनको भी मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें हम ढक कर पका लेंगे जिससे कि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। अब हम चेक कर लेते हैं, टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ये दही लिया है, इन दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, इनको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही डालने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इनको लगातार चलाइएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये फट जाएंगे। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम इनको भून लेंगे। ये अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डालकर हम एक अच्छी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी यहाँ पर अब पक रही है तो मैं यहाँ पर अब नमक डाल रही हूँ और ये गरम मसाला पाउडर, इन दोनों को हम इसमें डालकर थोड़ी देर और पका लेंगे। ग्रेवी यहाँ पर अब बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसमें जो कटहल के पीसेस बचे हैं उनको मैं इसमें डाल देती हूँ और इनको हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। कटहल के पीसेस डालने के बाद इनमें एक उबाल आ गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम इनको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि हमारे कटहल के पीसेस इन ग्रेवी को अच्छे से सोक कर लें। 10 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं कि हमारे जो कटहल के पीसेस हैं उन्होंने ग्रेवी को अच्छे से सोख लिया है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं, हम इनकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं आज यहाँ पर फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास धनिया की पत्ती है तो उनसे भी आप इनकी गार्निशिंग कर सकती हैं। तो इस मौसम में इन कटहल के शाही टुकड़ों को अगर आप स्नैक्स के लिए सर्व कर रही हैं तो धनिया की चटनी और चाय ज़रूर सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और अगर आप इनको ग्रेवी के साथ सर्व कर रही हैं तो उसके साथ आप जीरा राइस और रोटी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप इनको सर्व कीजिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।